इसे कहते हैं लटक लटक के उड़न छू हुए जनाब, मतलब घर से ऑफिस जाए जहाज से बाहर दिखाए फटी चरपना, वह भी केवल अमेरिका को, यानी सारा ड्रामा अमेरिकी यात्रा के लिए रचा जा रहा है। दावे ठोके गए कि पाकिस्तान का वजीर आजम पाकिस्तान के दूतावास के किसी कमरे में रहने का मंसूबा बना रहा है, खाना भी खुद बनाकर खाने की सोच रहा है, देश कर्ज के दलदल में है, हाथ पांव बजा रहा है, इसीलिए पैसे बचाने की कवायद में इमरान खान नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तानियों के पिछवाड़े पर गुलाब के पौधे उगाकर उनकी हरियाली से पाकिस्तान को हरा भरा करने के ख्वाब गढ़े जा रहे हैं। अब इस मुगल छाप देश के वजीर आजम की कलाकारी को सिलसिलेवार समझ लीजिए। वर्ष 2017 के सितंबर माह में इमरान खान पहली बार भीख मांगने सऊदी अरब की यात्रा पर निकले थे, मगर उस वक्त किसी दूसरे देश की एयरलाइन पर लटक कर नहीं गए थे, बल्कि पूरे लावलश्कर के साथ PIA के विमान से ही सऊदी अरब गए थे। इसके अलावा जनाब चीन, कतर, तुर्की, ईरान की यात्रा भी कर चुके हैं, मगर तब इस जनाब को पाकिस्तान के पैसे बचाने की चिंता नहीं हुई। कमाल की बात यह है कि जापान के ओसाका में आयोजित बिश्केक सम्मेलन में यह वजीर आजम 2 लाख से ऊपर का सूट पहनकर अपनी रईस दिखाने PIA के जहाज से पहुंचा था, मगर अब अमेरिका की यात्रा के लिए जिस प्रकार यह पाकिस्तानियों की तसरीफ को झाड़ू पोछे से साफ करके उसे चमका रहा है, उससे मदरसा पैदाइश बुद्धिहीन होकर गधैया नर्तक करने लगी है। यानी एक धूर्त PM जो अपनी 2 बीवियों का सगा नहीं हुआ और तीसरी बीवी को छोड़ने का प्लान बना रहा है, यह उसे नोबेल दिलाने के लिए तैमंद फाड़ प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। हार्वर्ड में पढ़ा लिखा इमरान खान जानता है पाकिस्तानी नस्ल फोड़ भी है और इनकी तालीम भी पाकिस्तानी मदरसों की 4 दीवारी में हुई है, इसलिए इन्हें गधैया नृत्य में जितना व्यस्त रखा जाएगा यह उतना ही बेहतर परिणाम देंगे, मतलब इनकी तशरीफ पर लंबे समय तक इमरान खान का रुमाल बांधा जा सकता है। इमरान खान इन मदरसा छाप को बता रहा है कि उसे इन फंटर लोगों की चिंता है, इसलिए वह कतर एयरलाइन की कमर्शियल फ्लाइट से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर अमेरिका जाएगा। उसने इन पाकिस्तानियों को यकीन दिलाया कि अमेरिकी एयरपोर्ट पर PIA के विमान की पार्किंग का काफी रुपया बच जाएगा, इसके अलावा विमान का फ्यूल खर्च भी बचेगा, मतलब ये जनाब बता रहा है कि वे अपने वाशिंदों के साथ कतर एयरलाइन में सवार होंगे जो ब्रिटेन होती हुई अमेरिका पहुंचेगी। यह फ्लाइट ब्रिटेन में 6 घंटे का स्टे भी करेगी। इस दौरान यह अपने फटे कुर्ते को बदलकर नया बाना धारण कर सकेगा। पर इस पाकिस्तानी वजीर आजम को यह गुल खिलाते हुए ध्यान नहीं रहा है कि अमरीकी एयरपोर्ट पर इसे एक यात्री ही माना जाएगा, इसलिए पाकिस्तानी होने के नाते इसके और इसके वासिंदों को अमेरिकी सुरक्षा गार्ड द्वारा नंगा किए जाने का खतरा भी बढ़ गया है। पर मामला केवल यहां तक नहीं है, यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। इमरान खान अमेरिका को भी मदरसा छाप कौम समझ बैठे हैं। इस जनाब को लगता है कि यह दुनिया का एकमात्र अकलमंद इंसान है, ऐसा इंसान जिसे गरीबों की फिक्र है, अमीरों से नफरत। यह अलग बात है कि पाकिस्तान के अधिकतर पैसे वाले इसी की सरकार में मौजूद हैं। जहांगीर तरीन जैसे बड़े उद्योगपति इसकी सरकार की बैसाखी हैं। अपने इसी धूर्त अंदाज का प्रदर्शन करके इमरान खान ट्रंप की वाई वाई लेना चाहते हैं। इसे लगता है कि एक बार ट्रंप ने इसके लिए प्रशंसा के 2 शब्द भी कह दिए तो पाकिस्तान का आसमान तहमदों से पट जाएगा, लेकिन ये यहां भी गफलत में है। अमेरिका वह देश है जो 9/11 के बाद मुसलमानों को 9/2/11 करने पर तुला हुआ है, खासतौर से पाकिस्तान को लेकर उसकी विचारधारा में आमूलचूल बदलाव आया है, इसलिए अब उसने पाकिस्तान को वरीयता देने की बजाय बजाना शुरू किया हुआ है। अमेरिकी प्रशासन इस बात से वाकिफ है कि इमरान खान की पैसा बचाने की नौटंकी ताजा तरीन है। हो सकता है कि इससे पूछ लिया जाए कि उनकी पिछली विदेश यात्राओं पर यह नियम क्यों लागू नहीं किया गया। ऐसे ही सवाल सीटी वाइट को लेकर भी अमेरिका इससे पूछ सकता है। सीटी वाइट को इस अय्यास ने कई सालों तक अपने झूठे संबंधों में बांधकर रखा था। बाद में उसके बेटे की जगह बेटी टायरीन हुई तो यह पाकिस्तानी PM उसे छोड़कर पाकिस्तान भाग आया था। सवाल CPAC को लेकर भी ट्रंप जरूर पूछेगा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों में यह सबसे बड़ी अड़चन है। इस जनाब से पूछा जाएगा कि चीन से उसने इस परियोजना के लिए कितना कर्ज कितने सूद पर लिया है। सवाल आतंकवाद पर भी होंगे, मतलब पाकिस्तान आतंकियों के लिए जन्नत क्यों बना हुआ है, उसकी जमीन से भारत पर हो रहे हमलों को रोकने की गारंटी पूरी क्यों नहीं हो रही है।
मतलब साफ है इस जनाब को अभी इस बात का एहसास यहां तक है कि अमेरिका केवल इसलिए मुलाकात करना चाहता है कि उसके सैनिक अफगानिस्तान से सम्मान के साथ बाहर निकल जाए, और यह फंटर मुल्क इसीलिए उछल रहा है कि अमेरिका को इसकी जरूरत है। केवल एकमात्र पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो अमेरिका की इस मामले में मदद कर सकता है, पर यह पाकिस्तान है। गधैया नृत्य के चक्कर में यह मुल्क भूल गया है कि अमेरिका का तीर चलने से पहले ही कई निशाने तय कर लेता है। वह किस निशाने पर लगेगा यह तीर चल जाने के बाद ही पता चलता है। अमेरिका के उद्देश्य केवल अफगानिस्तान समस्या नहीं है जिसे लेकर इमरान खान उत्साहित है, बल्कि आतंकवाद सबसे बड़ी परेशानी है जिसे खत्म करने के लिए उसी पाकिस्तान की पुंगी बजाई जा रही है जिसने कभी अमेरिका की खातिर आतंकवाद को पैदा किया था। मतलब जब इमरान खान ट्रंप से सामना करेंगे तब वह इस जनाब की पैसा बचाओ अभियान का फोर्ट ड्रामा नहीं देखेंगे, बल्कि इसकी तस्वीर पर कितने काले बाल बचे हैं उन्हें उखाड़ेंगे। ट्रंप को पता है मांसाहारी गिदड़ कितने भी रंगों में स्नान कर ले, उसके मुख से शाकाहार के प्रवचन कभी सुंदर नहीं लगते, और पाकिस्तानी कौम ऐसे ही गिदड़ों की एक बड़ी मंडी है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।